जय हिंद स्टूडेंट्स, वेदा केरी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए पादप पोषण मींस प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब एक चीज तो आपको क्लियर है भैया कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे के अंदर क्लोरोसिस के लक्षण उत्पन्न होते हैं, मतलब क्लोरोफिल नष्ट होता है, पत्ती पीली पड़ती है, पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की कमी से जो क्लोरोसिस के लक्षण या हरिमहीनता के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सर्वप्रथम कहां पर दिखाई देते हैं, तो ऊपरी नई पत्तियों पर, पुरानी निचली पत्तियों पर, नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है, कि आपको केवल क्या फंडा याद रखना है कि कौन से पोषक तत्व पौधे में चलनशील हैं, कौन से अचलनशील है। बस इसी आधार पर जो है आप क्या पकड़ सकते हो, तो आंसर को पकड़ सकते हो। किस टाइप से? तो जो पौधे में चलनशील तत्व होते हैं उनके लक्षण आपको मोस्टली कहां पर मिलेंगे, उनके लक्षण आपको मिलेंगे पुरानी पत्ती पर। और जो निम्न या ऐसे पोषक तत्व जो जिनकी चलनशीलता बहुत कम होती है, मोबिलिटी बहुत कम होती है प्लांट के अंदर, उनके लक्षण आपको मिलेंगे नई पत्तियों पर। और जो पोषक तत्व बिल्कुल भी क्या होते हैं, पौधे में अगतिशील होते हैं, इमोबाइल होते हैं, उसके लक्षण आपको मिलेंगे टर्मिनल बड पर, ठीक है। तो यहां पर इस हिसाब से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ये मोबाइल न्यूट्रिशंस होता है, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी मोबिलिटी अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर हाई होती है, तो इनके लक्षण आपको मिलेंगे पुरानी पत्तियों पर। जो भी हाईली मोबाइल न्यूट्रिशंस होते हैं उनके लक्षण पुरानी पत्ती पर मिलेंगे। ऐसे पोषक तत्व जो क्या होते हैं, जिनकी मोबिलिटी कम होती है, मॉडरेट होती है, उनके लक्षण आपको नई पत्ती पर मिलेंगे। जिनकी बहुत कम होती है, जैसे अगर मैं अगर बोल दूं कि ऐसे तत्व जिनकी मोबिलिटी बहुत कम है भैया प्लांट के अंदर, तो इनके लक्षण आपको दोनों पर मिलेंगे, पुरानी पत्ती और नई पत्ती दोनों पर। जैसे जिंक, तो जिंक के लक्षण आपको पुरानी और नई दोनों पत्ती पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल भी अगतिशील तत्व होते हैं उनके टर्मिनल बड या जो शीर्ष कलिका होती है वहां पर आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। तो यहां नाइट्रोजन के कमी के लक्षण आपको पुरानी निचली पत्ती पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऊतक क्षय नेक्रोसिस के लक्षण निम्न रोग में दिखाई देते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है भैया? तो नेक्रोसिस में सीधा होता है कि ऊतक का नष्ट हो जाना और हार्ड स्पॉट बनना, मतलब जो ऊतक होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगता है। साथ ही साथ क्या होता है, जहां पर भी ऊतक मरेगा वहां पर स्पॉट बनेगा, वो स्पॉट कैसा रहेगा, हार्ड मतलब दृढ़ और मृत धब्बे बनना। तो कौन से डिसीज के अंदर ऐसा देखा जाता है? बिल्कुल सभी का करेक्ट है भैया, डी वाला करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, कैंकर में भी, डाईबैक में भी, लीफ स्पॉट में भी, तीनों पर अगर हम देखें तो आपको नेक्रोसिस के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है जैसे डंपिंग ऑफ, उसमें भी आपको नेक्रोसिस के सिम्पटम देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपका डी वाला आंसर करेक्ट है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला बताइए, आलू और केले के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? फटाफट बताइए भैया, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, एग्जाम नजदीक आ गई है, अब हम थोड़ा डिस्कस कम करेंगे और क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फटाफट बताइए भैया क्या आंसर होना चाहिए, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम या कैल्शियम? आलू और केले के लिए वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, बट इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा तत्व माना जाता है? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर सी वाला, मतलब पोटाश। पोटाश जो होता है वो आलू, केला, ऐसी फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शर्करा के स्थानांतरण में भी सहायक होता है, साथ ही साथ पौधों को रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी पोटाश करता है। तो इन फसलों में आपको पता है भैया कि फल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, आलू में भी जो स्टेम ट्यूबर होता है, भूमिगत होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में मदद करता है, ठीक है। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट। अगला देखते हैं, कपास में लीफ रेडनिंग निम्न की कमी से होता है। कपास के अंदर आपने देखा होगा, जब कभी आप खेत में जाओ तो कभी कभी आपको कपास के लाल रंग के पत्ते दिखाई देते हैं, तो ये समस्या किसके कारण आती है लीफ रेडनिंग की? फटाफट बताइए भैया,
स्पीड बढ़ाइए थोड़ा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कपास के पत्ते कुल मिला के अगर बोले तो लाल कलर के दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर है भैया, डी वाला आपका करेक्ट है। मैंने बार बार आपको बताया सल्फर की कमी से चाय में टी येलोइंग और मैग्नीशियम की कमी से कपास में लीफ रेडनिंग, जिंक की कमी से मक्का में व्हाइट बर्ड और धान में खेरा रोग, ये ऐसे महत्वपूर्ण है। मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में वीप टेल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। कॉपर की कमी से नींबू के अंदर हमने देखा डाइबेक होता है, एक्जाथीमा डिसीज भी होती है, ये कॉपर की कमी से होता है। पोटाश की कमी से टमाटर के अंदर ब्लोची रिपेनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये हम लोगों ने सब देखे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लीफ रेडनिंग की जो समस्या आती है वो मैग्नीशियम की कमी से आती है। मैग्नीशियम वैसे भी क्लोरोफिल के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है, याद आया कुछ। मक्का में सफेद कलिका या व्हाइट बर्ड रोग निम्न की कमी से होता है। जिंक का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ भैया, ठीक है। जिंक क्या होता है, तो ये पौधे के अंदर निम्न चलनशील या निम्न गतिशील तत्व होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लक्षण आपको कहां पर मिलेंगे, इसके लक्षण आपको पुरानी और नई दोनों पत्ती पर मिलेंगे, मिलेंगे दोनों पत्ती पर। तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना भैया, जो मक्का में सफेद कलिका या व्हाइट बर्ड होता है, धान में खेरा रोग होता है, दोनों का एक ही कारण है, जिंक। क्या है, जिंक। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, गेहूं और नींबू निम्न का सूचक पौधा है। अभी मैंने नींबू के दो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताए थे, कौन कौन से, एक तो डाइबेक और दूसरा आपको मैंने बताया था कौन सा, दूसरा बताया था एक्जाथीमा, ठीक है, ध्यान रखना। आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है एमपीपीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बेस 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा, साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और FLT टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा, साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बेस 3 के नाम से, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए, मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बेच के नाम से हमारी MPPIT की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, FLT और 1,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3,000 से लगभग 4,000 प्रश्नों की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियाँ करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियाँ हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियाँ ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बेच के नाम से हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। फटाफट बताइए क्या होना चाहिए, आयरन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कॉपर, बताइए। गेहूं और नींबू ये दोनों जो है कौन से पोषक तत्व के लिए सूचक पौधे का कार्य करते हैं। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर डी वाला कॉपर। बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया, गेहूं और नींबू दोनों पौधे जो हैं वो कॉपर पोषक तत्व के लिए इंडिकेटर प्लांट के रूप में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सूर्यमुखी निम्न का सूचक पौधा है। जो सनफ्लावर होता है वो कौन से पोषक तत्व के लिए इंडिकेटर प्लांट का कार्य करता है, बताइए क्या होना चाहिए। सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी चल रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाकर रखिए। पोटेशियम, कॉपर, आयरन और बोरॉन, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल फिर एक बार सभी का करेक्ट आंसर बोरॉन, सूर्यमुखी बोरॉन का सूचक प्लांट होता है। बिल्कुल डी वाला आंसर सभी का करेक्ट। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चुकंदर और सलजम के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। कुछ ऐसे तत्व जो अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व की श्रेणी के अंदर आते हैं, जो कि निकोलस ने आपको सबसे पहले बताया था, यह कंसेप्ट दिया था कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा
पौधे के लिए आवश्यक तो नहीं होते बट लाभदायक जरूर होते हैं, नॉट इसेंशियल बट बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय द निकोलसन, निकोलस, निकोलसन नहीं, निकोला, निकोलसन तो उधर अगर आप पढ़ो तो कॉपरेटिव मूवमेंट के जनक हैं भैया, 1904 याद आया कुछ, यहाँ निकोलस की बात हो रही है। तो चुकंदर सलजम के लिए आवश्यक तत्व बिल्कुल सोडियम, ये बहुत पूछा जाता है भैया, चुकंदर में परासरण दाब को मेंटेन करने के लिए सोडियम होना अति आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, पौधे को नाइट्रोजन की प्राप्ति मुख्यतः होती है, बताइए पौधे को नाइट्रोजन की प्राप्ति कहां से होती है भैया, जल से, वायु से, मृदा से या उपरोक्त सभी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आईक्यू का उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व ऐसे होते हैं जो जल और वायु से मिलते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व आंख बंद करके लगाओ सब मृदा से मिलेंगे, बिल्कुल मृदा से मिलते हैं। बट कुछ पौधों के अंदर जो बायो फर्टिलाइजर जैसे हम यूज करते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, पीएसबी आपका, फिर नीली हरी शैवाल है, फिर देखे तो एजोला है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करने का काम करते हैं। एसिटोबैक्टर है जो कि अदलनी फसलों में उपयोग होता है, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर भी होता है, जो स्पाइरिलम भी होता है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। दलहन में राइजोबियम होता है, बाकी अगर हम देखें तो राइजोबियम के अलावा दूसरा अगर जो भी है, जैसे एजेटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजो स्पाइरिलम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला है, ये सब जो है अदलनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले बायो फर्टिलाइजर होते हैं। नाइट्रोजन मुख्य रूप से पौधों को प्राप्त होता है मृदा से प्राप्त होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं भैया, पौधे जो है वो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कौन से फॉर्म में करते हैं, आणविक फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में, बताइए किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, बताइए पोषक तत्वों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। सभी का करेक्ट आंसर है भैया, फिर एक बार सभी का करेक्ट, आयनिक फॉर्म में, जितने भी पोषक तत्व पौधे द्वारा मृदा से लिए जाते हैं वो घोल के रूप में लिए जाते हैं पानी के साथ। दूसरा अगर क्वेश्चन अगर हम देखें तो पौधे पोषक तत्वों को आयनिक रूप में अवशोषित करते हैं, कौन से फॉर्म में, आयनिक फॉर्म, या तो केटायन फॉर्म या एनायन फॉर्म, ठीक है, मैंने आपको केटायन फॉर्म भी समझाए थे, एनायन फॉर्म भी समझाए थे, बट नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो केटायन एनायन दोनों फॉर्म में पौधा लेता है, मतलब NO3- माइनस नाइट्रेट फॉर्म में, NH4+ प्लस अमोनिकल फॉर्म में, ठीक है, मतलब धन आयन NH4+ प्लस केटायन के फॉर्म में, ऋण आयन नाइट्रेट आयन आपका जो है मैक्सिमम क्रॉप नाइट्रेट फॉर्म में लेती है, तो यहां अधिकतर आपको पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अगर पोषक तत्व देखें तो या तो वो केटायन फॉर्म में होते हैं या एनायन फॉर्म में, बट नाइट्रोजन एक ऐसा मात्र एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो केटायन और एनायन दोनों फॉर्म में पौधे को उपलब्ध होता है। तो ये अभी टेट के एग्जाम में पूछा भी तो क्वेश्चन, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका आयनिक फॉर्म करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे द्वारा एकल आयनिक रूप में ग्रहण होता है, सिंगल आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है भैया, ठीक है, मैंने आपको बताया था पोषक तत्व जो होते हैं पौधे द्वारा जब ग्रहण किए जाते हैं तो या तो ये सिंगल आयनिक फॉर्म में होते हैं या फिर कंपाउंड आयनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब सरल या संयुक्त। तो आपको बताना है कौन सा पोषक तत्व पौधे द्वारा एकल आयनिक रूप में ग्रहण होता है, सिंगल आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल बताइए, सभी आंसर दीजिए भैया, धड़ल्ले से आना चाहिए बिल्कुल आंसर, और आंसर भी आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट, फटाफट बताइए। हाँ, सभी का एक ही आंसर है और वो है पोटाश। पोटाश को पौधा क्या करता है, के प्लस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, बाकी फास्फोरस जो है ये फास्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, कौन सा फास्फेट, ट्राई फास्फेट H2PO4 1- के फॉर्म में, सल्फर सल्फेट SO4- के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, फिर बोरोन जो होता है वो ट्राई बोरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और भी बोरेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं जैसे बोरिक एसिड है और भी एटसेट्रा जो भी हैं, तो ध्यान रखना मुख्य रूप से ट्राई बोरेट के फॉर्म में
पौधे सबसे ज्यादा बोरोन को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर एकल आयनिक फॉर्म का बोला है तो एकल आयनिक फॉर्म तो आपका केवल पोटाश है इनमें से, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बट बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लास मैंने सब समझाया। पौधों द्वारा कौन सा पोषक तत्व संयुक्त आयनिक रूप में ग्रहण किया जाता है, कौन सा संयुक्त आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है भैया, कंपाउंड आयनिक फॉर्म में बताइए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम, ऑल ऑफ दीज बताइए क्या होना चाहिए। पौधे द्वारा कौन सा पोषक तत्व, ए नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ दीज। यहां पर क्या बोला है, कंपाउंड आयनिक फॉर्म, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया तो है भैया, NO3 माइनस और NH4 प्लस, ये कंपाउंड आयनिक फॉर्म में हो रहा है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस अगर देखें तो मुख्य रूप से H2PO4 माइनस मींस ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है, ये एब्जॉर्ब होता है। मोलिब्डेनम अगर हम देखें तो MOO4 माइनस मोलिब्डेट फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये सभी के सभी जो है वो संयुक्त रूप में पौधे द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एकल आयनिक फॉर्म में पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे द्वारा धन आयन और ऋण आयन दोनों रूप में ग्रहण किया जाता है बताइए। केटायन और एनायन दोनों रूप में ग्रहण किया जाता है भैया, बताइए कौन सा ऐसा। केटायन मतलब होता है धन आयन, ऋण आयन मतलब एनायन, बताइए कौन सा ऐसा पोषक तत्व है। हाँ, सभी का करेक्ट आंसर, बिल्कुल, नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि केटायन मतलब NH4 प्लस अमोनिकल फॉर्म में भी लेता है जैसे धान और जूट, और बाकी अधिकांश फसलें इसको लेती है NO3 माइनस NIN के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों रूप में पौधे को उपलब्ध होता है, तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पौधे जिंक को किस रूप में अवशोषित करते हैं, जिंक को कौन से रूप में अवशोषित करते हैं भैया पौधे बताइए। Zn सिंगल प्लस, Zn2 प्लस, Zn या ZnO बताइए किस रूप में अवशोषित करते हैं। बिल्कुल जिंकाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, Zn2 प्लस के फॉर्म में, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। Zn2 प्लस के फॉर्म में जिंक को सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है, मिलता भी इसी रूप में है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। और जिंक देने के लिए सबसे अच्छा जो सस्ता सुंदर टिकाऊ है जिंक सल्फेट, खासकर धान में, ठीक है, क्योंकि धान में जिंक की कमी से खेरा रोग होता है। नेक्स्ट, पौधे के लिए फॉस्फोरस का सर्वाधिक उपलब्ध रूप है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप समझ जाइए, फॉस्फोरस का सर्वाधिक उपलब्ध रूप है बताइए। फॉस्फोरस का सर्वाधिक उपलब्ध रूप कौन सा है भैया, पौधों के लिए फॉस्फोरस का सबसे अधिक उपलब्ध रूप कौन सा है, या फॉस्फोरस पौधों को सबसे अधिक किस रूप में उपलब्ध होता है। बताइए, हाँ बिल्कुल, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म भैया, बहुत बढ़िया। 6 से 7 पीएच पर इसकी उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है, इसको कहा क्या जाता है, ट्राइफॉस्फेट। ये जो आपका है ये डाइफॉस्फेट है और ये आपको 7 से 8 पीएच पर उपलब्ध होता है, और आपका जो मोनोफॉस्फेट या फॉस्फेट फॉर्म है ये मोर देन 8 पीएच पर उपलब्ध होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम मुझे लग रहा है ये आपके एग्जाम में आ गया है, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके जाइए, ऐसा लग रहा है 99% मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों के लिए बोरोन का सर्वाधिक उपलब्ध किस रूप में होती है भैया, बोरोन, बोरोन का बताना है, सर्वाधिक उपलब्धता किस रूप में होती है बताइए, बोरोन की सबसे अधिक उपलब्धता किस रूप में होती है। वैसे तो बोरोन सभी रूप में उपलब्ध होता है पौधे को, बट सबसे ज्यादा उपलब्धता किस रूप में होती है, जैसे हमने अभी फॉस्फोरस का पढ़ा ना ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन सबसे ज्यादा किस रूप में उपलब्ध होता है बताइए। सबसे ज्यादा बोरोन की उपलब्धता होती है ट्राइबोरेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ट्राइबोरेट के
फॉर्म में, इसके अलावा बाकी सभी रूप में उपलब्ध होता है। बोरोन जो होता है वो 4 से लगा के 9 pH तक उपलब्ध होता है, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा बोरोन की उपलब्धता आपको मिलती है 6 से 7 pH पर, और वो भी कौन से रूप में? ट्राइबोरेट के फॉर्म में। तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पौधे मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? यह टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। पौधे मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं बताइए? पौधे मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? एमओ के फॉर्म में, H2MnO4 के फॉर्म में, MOO4- के फॉर्म में, ये ऑल ऑफ दीज। पौधे मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? मोलिब्डेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं, और ये है मोलिब्डेट फॉर्म, बिल्कुल। तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारतीय मृदाओं में निम्न तत्व की अधिक कमी होती है। अब देखो क्वेश्चन को घुमाएगा ना, आप जल्दीबाजी में जो है ये पढ़ लेते हो अधिक, और बाद में नहीं पढ़ते, बाद में लिखा है कमी। सबसे अधिक कमी कौन से पोषक तत्व की भारतीय मृदाओं में देखी गई है बताइए? भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक कमी जो होती है, लगभग 47% मृदाओं में किसकी कमी देखी गई है? बिल्कुल सभी का करेक्ट, जिंक। जिंक की कमी लगभग भारत में जितनी भी मृदाएं हैं उसमें से 47% मृदाओं में जिंक की कमी को देखा गया है। दूसरे नंबर पे आता है आयरन, और थर्ड नंबर पे जो कमी देखी जाती है वो कॉपर की कमी देखी जाती है, बिल्कुल। आपका ए वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व है जो मृदा में अगतिशील है लेकिन पौधों में अत्यधिक गतिशील है? देखो ध्यान रखना, क्या बोला है? मृदा में अगतिशील है बट पौधे के अंदर हाईली मोबाइल न्यूट्रिशंस होता है भैया, बताइए कौन सा? हाँ आयरन, 11% मृदाओं में कमी देखी गई है आयरन की, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व है बताइए भैया जो मृदा में, मिट्टी में तो इमोबाइल है बट जब ये पौधे में जाता है तो हाईली मोबाइल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को ध्यान रखना भैया, इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा की कुंजी भी कहा जाता है, की ऑफ एनर्जी, की ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ATP फॉर्मेशन इसी की देन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण इस तत्व के बगैर नहीं हो सकता, तो किसी भी जीव का अस्तित्व इस फॉस्फोरस के कारण ही है, क्योंकि ऊर्जा क्या है? जीव को चलाने वाली इकाई, तो ऊर्जा को बनाने वाला कौन है? फॉस्फोरस। तो इस चीज को ध्यान रखना, फॉस्फोरस सभी का करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला, हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व पौधे में भी आयनिक रूप में उपस्थित होता है? देखो भैया, नई बात सुनने को मिली कि मृदा के अंदर तो आयनिक फॉर्म में होता है, और पौधे आयनिक फॉर्म में ही जड़ों के द्वारा घोल के रूप में इसको अवशोषित करते हैं सभी पोषक तत्व को, बट कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे के अंदर जाने के बाद भी आयनिक फॉर्म में आपको मिल जाएगा बताइए, कौन सा ऐसा पोषक तत्व? बहुत आसान है, थोड़ा सा IQ लगाइए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया था उसमें जब ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन पढ़ाया था वहां अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर निकाल दोगे, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर। पौधे के अंदर भी आयनिक फॉर्म में पाया जाता है पोटाश। कौन सा? पोटाश। क्यों? क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाले या स्टोमेटा के बंद होने और खुलने को नियंत्रित करने के लिए सबसे मान्य थ्योरी कौन सी थी? के सक्रिय K+ आयन थ्योरी थी ना, K+ आयन। K+ स्टोमेटा की द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है जिससे कि द्वार कोशिकाएं या जो गार्ड सेल्स होती है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है जिससे इंडो ऑस्मोसिस होता है और द्वार कोशिकाएं टर्जिट फॉर्म में आती, स्टोमेटा खुल जाता है, ठीक है। और बाद में जब स्टोमेटा बंद होता है मतलब पोटेशियम मेलेट से पोटाश अलग हो जाता है, K+ बाहर जाता है, बाहर की सहायक कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है जिससे एक्सोऑस्मोसिस होता है, और इस प्रकार स्टोमेटा का खुलना और बंद होना होता है। तो सीधी सी बात है भैया, पौधे के अंदर भी K+ जो है, पोटाश जो है, वो आयनिक फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट